बॉबी झा MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। मैंने प्रधानमंत्री से किसी तरह की माफी नहीं मांगी है, राहुल गांधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर चौकीदार चोर है क्या नारा देने वाला राहुल गांधी ने एक बार फिर से कहा है कि चौकीदार चोर है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस नारे की वजह से फटकार लगाई थी, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट में इस नारे को लेकर माफी मांगी थी। राहुल गांधी के माफी मांगने के बाद से ही भाजपा के नेता उन पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी को पीएम मोदी के खिलाफ नारे की वजह से माफी मांगनी पड़ी। लेकिन राहुल गांधी ने एक बार फिर से इस नारे को आगे बढ़ाते हुए कहा कि वह फिर से यह नारा लगाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने कतई अपने नारे को वापस नहीं लिया है, मैंने कतई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी नहीं मांगी है, मैंने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कुछ गलत कहा था, उसके लिए मैंने कोर्ट में माफी मांगी है, मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कतई कोई माफी नहीं मांगी है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ कि चौकीदार चोर है। मैं यह फिर से कहना चाहता हूँ कि चौकीदार चोर है। मैंने चुनावी रैली में गलती से सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कह दिया था कि चौकीदार चोर है, इसके लिए मैंने माफी मांगी थी। कांग्रेस ने बताई UPA काल में 6 सर्जिकल स्ट्राइक की तारीख। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने गुरुवार को कहा कि UPA शासन में 6 और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में भारत ने 2 सर्जिकल स्ट्राइक की थी। उन्होंने यह भी बताया कि भारत ने किस तारीख को सर्जिकल स्ट्राइक की। जानकारी के अनुसार शुक्ला ने कहा, हमने कभी छाती नहीं पीटी, लेकिन जिस शख्स ने सिर्फ 1 सर्जिकल स्ट्राइक की है वह अपनी पीठ थपथपा रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा, न तो पूर्व PM मनमोहन सिंह और न ही अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे लेकर कभी बातचीत की। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार 1999 से 2004 तक रही, वही UPA सरकार ने 2004 से 2014 तक देश पर राज किया। ब्यौरा देते हुए शुक्ला ने कहा कि UPA सरकार के दौरान पहली सर्जिकल स्ट्राइक को 19 जून 2008 को जम्मू कश्मीर के पुंछ स्थित भट्टल सेक्टर में अंजाम दिया गया। दूसरी बार आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब 30 अगस्त से 1 सितंबर 2011 तक केरल में नीलम रिवर वैली के पास शारदा सेक्टर में दिया गया। तीसरी सर्जिकल स्ट्राइक 6 जनवरी 2013 को सावनपत्रा चेक पोस्ट पर 6 जनवरी 2013 को की गई थी। चौथी 27-28 जुलाई 2013 को नजीरपीर सेक्टर, पांचवी 6 अगस्त 2013 को नीलम वैली पर और छठी सर्जिकल स्ट्राइक 14 जनवरी 2014 को की गई। शुक्ला के मुताबिक 2 सर्जिकल स्ट्राइक वाजपेयी सरकार के दौरान भी की गई। उनके मुताबिक पहली सर्जिकल स्ट्राइक 21 जनवरी 2000 को नाडला एनक्लेव और दूसरी 18 सितंबर 2003 को पूंछ के अरोह सेक्टर में की गई। श्रीनगर, बारामुल्ला। हाँ, चुनाव आयोग ने दिवाली के लिए परमाणु हथियार वाले बयान पर पीएम मोदी को दी क्लीन चिट। चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देते हुए कहा कि उन्होंने राजस्थान के बाड़मेर में अपने चुनावी भाषण के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया। मोदी ने अपनी चुनावी सभा में सशस्त्र बलों का आह्वान किया था और कहा था कि भारत के परमाणु हथियार दिवाली के लिए इस्तेमाल किए जाने के लिए नहीं रखे हैं। आयोग ने चुनाव के संबंधित भाषणों से सिलसिले में प्रधानमंत्री को यह तीसरी क्लीन चिट दी है। अधिकारियों ने बताया कि अब आयोग ने मामले की विस्तार से जांच की और यह माना गया है कि इस मामले में मौजूदा परामर्शों प्रावधानों को कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। चुनाव आयोग ने कहा, बाड़मेर संसदीय क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी द्वारा भेजे गए 10 पुस्तकों के भाषण की पूर्व प्रमाणित प्रतिलिपि की जांच की गई। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।